अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं कैसे अपना ईद मैं कैसे ईद जो है वो अपनी स्पेंड करता हूं। तो सबसे पहले तो ईद फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईद की नमाज से एक घंटा पहले मैं आपको, और फिर जो है मैं दही लेने जाता हूँ, ठीक है। अरे जे का टाइम हो गया, और अभी तक लोगों की शॉपिंग नहीं खत्म हुई। यार दही ले लिए, अब चलते हैं घर, जाके नहाते हैं ताकि नमाज पढ़ सके, फिर चलते हैं नमाज पढ़ने, और फिर आके ईद मिलते हैं सब। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आती है कि अगर छोटी ईद है तो फिर सेवियाँ मीठा पहले खा के फिर जाते हैं मस्जिद, और अगर बड़ी ईद है तो आके हम लोग सेवियाँ खाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे एंसेस्टर्स ने कहा हुआ है, तो वहीं से चलती आ रही है। और फिर उसके बाद जो है मस्जिद से मस्जिद हम नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के हम लोग आए घर, ठीक है। घर आए, घर आके अपने फैमिली से ईद मिली, ठीक है। सेवियाँ वगैरह खाएं क्योंकि मेरी फेवरेट होती है भाई सेवियाँ। ये है पोटे वालियाँ माई फर्स्ट मेरा पहल जी, ठीक है। अब हम इसको कहेंगे खा लेंगे, खा लेंगे दुरुस्तकार भाई, और डी है नमाज जाएगी है ना। मजेदार। और फिर चले गए कब्रिस्तान दुआ पढ़ने। अच्छा, कब्रिस्तान से आके फर्स्ट चेक करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो आके अगर मौसम अच्छा है तो हम लोगों ने छत पे जाके या बाहर जाके तस्वीर वगैरह ले ली फर्स्ट डे की, जो ड्रेस वगैरह पहना हुआ। अगर नहीं तो फिर शाम होने का वेट करते हैं, अगर शाम हो और हम लोग तस्वीर ले। मौसम देख रहे हैं आप लोग, फुल मैक्सी किस्म का मौसम, वाह हवा चल रही है ठंडी, फुल ईद वाला मौसम हुआ है आज। तस्वीरें लेने के बाद फिर मैं लैंड हो जाता हूँ, यानी कि सो जाता हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे करने को कुछ खास नहीं होता कि इसी तरह सो सो के फर्स्ट डे गुजर जाता है। ईद टू बेसिकली हम होते हैं उस दिन मेज़बान, मेज़बान होते हैं कि उस सारे जो कजन्स वगैरह उन्होंने आना होता है हमारे तरफ, क्योंकि हम लोग उस दिन मेज़बान होते हैं, और उस दिन घर में गैदरिंग होती है, काम सारा होता है। तो ईद का सेकंड डे जो है वो बिजी जाता है, और कज़न्स के साथ हल्ला गुल्ले में जाता है, हले गुल्ले में जाता है, ठीक है। इन्जॉयमेंट होती है फुल ऑन, ईद डे टू हमारा बहुत ज़बरदस्त जाता है। फिर उसके बाद जो है रात को अगर प्लान बन गया ईद डे टू का बाहर जाने का कज़न्स वगैरह का, तो ठीक है, अदरवाइज ईद डे टू हम लोग सारा का सारा काम ख़त्म करके इंजॉयमेंट जब सारे चले जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं सो जाते हैं। अच्छा, ईद डे थ्री में क्या होता है जी? हम लोग उठते हैं पहले तो लेट, ठीक है, क्योंकि पिछले दिन की थकावट थोड़ी सी उतार नहीं होती, और फिर हम लोग जो है वो इस दिन ईद डे थ्री को हम लोगों ने बनना होता है मेहमान, ठीक है। इससे पहले हम लोग बनते हैं मेज़बान ईद डे टू में, तो ईद के तीसरे दिन हम होते हैं मेहमान,
हम लोग जाते हैं अपनी नानी अम्मा की तरफ, ठीक है, नानी अम्मा की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जाके अपना डे स्पेंड करते हैं, कजन्स के साथ हल्ला गुल्ला वगैरह किया, इंजॉयमेंट की, ठीक है, और फिर वहाँ से 8-9 बजे तक फ्री होके प्लान होता है कि 8-9 बजे तक, और फिर 8-9 बजे तक फ्री होके हम लोग फिर ईट डे 3 9-10 बजे फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हैं। सीन ये है कि ईद का फर्स्ट डे भी गुजर गया है बोरियत के साथ, दूसरा डे मसरूफियत में गुजर गया है, तीसरा डे जो है अब 11-12 बजे जो है हम लोग निकले हैं सारे, ये देखें सारे इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग जा रहे थे पहले GNDHA जेदी पे, जेदी पे बोतल छोटे पी है, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसे इग्नोर कर, फिर हम लोग मैनहट्टन बाइट जो है उसने दगा दे दिया, धोखा दे दिया, यहाँ से निकल गया, यानी कि वो शिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद अनलखल भी बंद हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं डोमिनो MM आलम पे, लेट्स सी वहाँ पे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे आज भी हमारे हिस्से में जलालत आती है, क्योंकि जब भी हम लोग DHA जाते हैं जलील ज़रूर होते हैं। यार डोमिनो आए थे, डोमिनो में डाइनिंग नहीं मिली हम लोगों को, अब हम लोग सोच रहे हैं हाउडी जाएं, हार्डी जाएं या ऑप्शंस जाएं। OPTV भी फुल लग रहा है, देख लो आसान क्या है, पहले भूखे लेके हाँ जी सही कहते लास्ट हार्डी से खाया हम लोगों ने खाना, ठीक है, बर्गर शर्गर खाए हैं, और अभी रात के जो हैं रात के कोई 2:15 हो रहे हैं, ठीक है, रात के 2:15 हो रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, ठीक है, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर पे, क्योंकि सुबह को निकलना है हम लोगों ने सामने अपने अपनी जॉब पे। जी जी तुसी कर लो आप, तो जाओ आप। तो यार ये था मेरी ईद का व्लॉग, ठीक है, मैंने सारा आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे अमूमन अपनी ईद गुजारता हूँ। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपने, मैंने इनको कुछ नहीं खिलाया, वो ना व्लॉग बस खराब एंडिंग करने दो मुझे, व्लॉग खराब हो गया, तो फिर मिलते हैं आपसे, ये आपने ऐड करना है लास्ट में, अगर आपने ये ऐड ना किया, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।